मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आपको ये मुचकुंद के पेड़ के बारे में बता देता हूँ। ये मुचकुंद का पेड़ है, इसमें ऊपर फल लगे हैं काले काले, ये मुचकुंद है। इसके पत्ते आप ध्यान से देखिए, इसके पत्ते जो हैं कान के समान होते हैं, हाथी के कान के समान इसके पत्ते होते हैं। हस्तकर्णी भी इसको बोलते हैं। इसका कान के समान शेप होना, बड़ा झाड़ होता है ये, बहुत बड़ा। तो इसका जो मुख्य उपयोग है, कान के रोगों के लिए बहुत किया जाता है। तो गर्मी के दिनों में जब इसके पत्ते सूख जाएं, इसमें फूल भी खूब आते हैं, खास करके फूल और पत्ते, इन दोनों के जो पके हुए पत्ते और फूल जो नीचे गिरे उनको इकट्ठा करके कड़ू तेल जो होता है, सरसों का तेल, उसमें डाल के धीमी आँच में पकाया जाता है। तेल पक जाने के बाद इसको छान के सबको आप फेंक दीजिए, और जो तेल बचे उसको कान में डालने से कान का कैसा भी रोग हो, कान में मवाद आता हो, पस हो, कम सुनाई पड़ता हो, कान में आवाज़ आती हो, सूं सूं की आवाज़ आती हो, कान के समस्त रोग, कान में दर्द रहता हो या कान का पर्दे में कुछ इन्फेक्शन हो गया हो, किसी भी प्रकार के कान के रोगों के लिए मुचकुंदू का पेड़ या मुचकुंद के पत्ते ना मिले तो फूल, इसका उपयोग बहुत भारी मात्रा में किया जाता है। इससे कान के समस्त रोगों के लिए ये बहुत अच्छा वृक्ष है। ये आयुर्वेद में इसका कान के रोगों के लिए बहुत प्रयोग किया जाता है। इसके पत्ते भी कान के ही जैसे दिखते हैं, देखिए हाथी के कान के जैसे इसके पत्ते हैं, इसलिए इसको हस्तकर्णी भी बोला जाता है। बड़ा पेड़ होता है ये, ध्यान से देख लीजिए। सड़क के किनारे बगीचों में बहुत भारी मात्रा में ये मिल जाता है। फल इसका बहुत बड़ा होता है, फूल पीले रंग के इसमें फूल आते हैं। गर्मी के दिनों में इसमें भारी मात्रा में फूल आते हैं और वह स्वतः ही झड़ जाते हैं। झड़े हुए पुष्पों को इकट्ठा करके भी आप कान का तेल बना सकते हैं। इसका एक और प्रयोग ऐसा भी करते हैं कि गर्मी के दिनों में इन फूलों को कड़ू तेल में डाल के रख देते हैं और 5-6 महीने इसको पकने देते हैं। अर्क अच्छा निकल जाए तो छानने के बाद उस तेल का उपयोग किया जाता है। तेल काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। उस तेल का प्रयोग कान में अगर एक बूंद डाला जाए तो कान के समस्त रोग इस मुचकुंदू के प्रयोग से ठीक हो जाते हैं। पेट रोग के लिए भी काम आता है। पेट रोग में अगर एसिडिटी, गैस हो और पेट में अगर गड़बड़ी रहती हो, पेट खाना अच्छा नहीं पचते हो, तो इसके पत्ते को सुखा के चूर्ण बना के और सुबह शाम अगर इसका प्रयोग किया जाए तो पेट के अंदर जो अमीबियोसिस हो जाती है, आँव जो निकलती है पेट की, उसमें भी इसमें प्रयोग में ये आता है। तो मित्रों, मैंने आपको ये मुचकुंदू के वृक्ष के बारे में जानकारी दे दी। ये मिल जाता है, बहुत इसकी पहचान ही है, पत्ते बहुत बड़े बड़े मिलेंगे इसके, हस्तकर्णी। तो मुचकुंदू के वृक्ष के बारे में जानकारी दी है। आप देखिए, सबको बताइए, सब्सक्राइब करिए और इसका लाभ आप भी उठाइए। सबको सूचना देंगे तो सभी लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल पुनः आपको नमस्ते करता हूँ।